धरती पर भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक और उसके निजी नर्सिंग होम में काम करने वाले कंपाउंडर की गलती के कारण भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 3 के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम में एक मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर बवाल काटा। डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के क्लिनिक में 2.5 साल के बच्चे मनु राज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा क्लिनिक में जमकर हंगामा किया गया। मृतक बच्चे के पिता का कहना है कि सुबह बच्चे को लेकर क्लिनिक आया था, देर रात से ही बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसको लेकर पहले वह नंबर लगाने के लिए सुबह आए, तब बताया गया कि 10 बजे आप बच्चे को लेकर आए। जब ये लोग बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुंचे तब यहां पर कंपाउंडर को सुई दिया गया और उसके बाद स्लाइन भी लगा दिया गया। वहीं बिना बच्चे को डॉक्टर को दिखाए ही बच्चे को सुई और दवा कंपाउंडर के द्वारा चालू कर दिया गया। वहीं जांच के लिए खून भी निकाल लिया गया और अचानक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन साफ तौर पर कंपाउंडर पर आरोप लगा रहे हैं, गलत दवा देने के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वही हंगामा देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को किसी तरीके से शांत कराया। वही डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बच्चे को उन्होंने देखा नहीं, उनके क्लिनिक में कंपाउंडर के रूप में कार्यरत विकास कुमार ने मासूम बच्चे को सुई लगाई और जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया था। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टर बच्चे को नहीं देखा तो कंपाउंडर ने आकर कैसी दवा दे दी और किसके कहने पर उसने ब्लड सैंपल लिया था। आखिर मासूम की मौत का जिम्मेवार कौन है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस दौरान समाचार संकलन करने गए पत्रकारों से भी डॉक्टर के गुर्गों ने धक्का मुक्की की और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। आपको बता दें, डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के क्लिनिक में इससे पहले भी कई बच्चे की जान जा चुकी है और कई बार हंगामा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब का पहुंच रुतबा और रसूख जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर ऐसा है कि डॉक्टर चंद्रकांत सिंह पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। एक मिनट, आप कैमरा क्यों डकेल रहे थे? हाँ, कैमरा क्यों डकेल रहे थे? धर तरीके मतलब अरे डॉक्टर साहब, देखे भी नहीं बच्चा को, बच्चा डेथ कर गया। कौन था वो जो सुया दिया? सुया दिया तो वो तो उल्टी कर रहा था, तो उल्टी का सुई दिया। कंप्यूटर भाग गया, काहे भाग गया? कंडेम का सुई दिया था। अब 10 आदमी एक एक करके बात कीजिए ना, कौन कीजिएगा? आप कीजिएगा तो आप ही से बात करेंगे। कंडेम का सुई दिया था, उल्टी कर रहा था बच्चा। क्या कहाँ है कंपाउंडर? तो बोले थे कि भाग गया। अरे भाई, उल्टी कर रहा था, डॉक्टर ने बोला है। ऐसे भी कंपाउंडर ट्रीटमेंट नहीं करता है, देखिए नहीं किया है उसको तो। चलिए बोलिए, क्या बोल रहा है? पूछ रहे हैं बच्चे का मौत हुआ है आपके क्लिनिक? हमारे क्लिनिक में मौत नहीं हुआ है। ये जो भी आपको मिला है, जो है कहते सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस बच्चे को हमने देखा ही नहीं है। सबसे पहला अगर हम देखे हैं, उससे प्रूफ मांगिए कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। ठीक है, नहीं देखा है, बोल रहा है। जैसे हमें पता चला है, स्टाफ बताया, फिर इसने बताया, उसके अनुसार है कि बच्चा का फादर आया था, वो 9 बजे यहाँ पे नंबर लगाया कि हमको डॉक्टर साहब को बच्चा दिखाना है। तो हमारा स्टाफ बोला कि डॉक्टर साहब भाई 10:30 बजे 10:15 बजे आएंगे। ये बोला ठीक है। उसके बाद ये जो है बच्चा लेके आया, उसके 10-15 मिनट बाद, खाली ये पहले आया था नंबर लगाने के लिए, उसके 15-20 मिनट बाद ये आया। चल तो ये 9:30 बजे के करीब बच्चा लेके आया है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ को बोला कि जो है बच्चा देखिए, स्टाफ को बोला तो स्टाफ ने बच्चा को देखा। देखने के बाद फौरन इसको सिर्फ भेसो फिस लगाया कि बच्चा उल्टी कर रहा है, तो इसको सलाइन सुई देंगे। इसके बाद इसको भेसो फिस लगाने के बाद जो है इसको ले गया ऊपर कि चलो वार्ड में सलाइन सुई करेंगे। तब तक वो स्टाफ इसको ऊपर ले गया, तब तक दिन वाला स्टाफ 10 बज चुका था। दिन वाला स्टाफ को बोला कि तू सुई दवाई इसको दो। ठीक है, दिन वाला स्टाफ सुई दवाई लेके गया ही तो बच्चे को देखा कि बच्चे का स्थिति ठीक नहीं है। तो दिन वाला स्टाफ ऑन द स्पॉट इसको बोला कि आप बच्चे को लेके फौरन कहीं जाइए, डॉक्टर साहब अभी नहीं है। ठीक है, इसको कोई भी दवाई सुई नहीं दिया गया है, न हमने देखा है। ठीक है,
और ये आया अभी 9:30 है, इसके बाद ये यहाँ से जिंदा गया है बच्चा। अब रास्ते में कहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, जो बता रहा है आपके बिना भेस कैसे लगा दिया कंप्यूटर बिना ये भाई ये बताओ, आप अभी आपके पत्रकार महोदय हो, बाइक चला के आते हो आप, जो है गिर गए रास्ते में, तो कोई आप कुछ लग गया जो है स्क्रैच, तो कोई कंपाउंडर आपको बीटाडीन नहीं लगाएगा? कोई अंतर नहीं है, कोई एकदम बेहतर है। ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल तो जब वो वोमिटिंग करके आ रहा था, जांच के लिए सैंपल नहीं लेगा? एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए कि जब भी भेसो फीस लगता है बच्चे में तो उसी से सैंपल निकाला जाता है, क्योंकि बार बार बच्चे को प्रीक नहीं किया जाता। आप यदि नहीं देखते हैं फिर वो अगर दो बूंद ब्लड निकाल के रख लिया कि जांच में भेजेंगे तो सिंपल सा बात है, कौन गुना कर दिया? क्या गुना है? हमें तो नहीं गुना लगता। हाँ अच्छा एक चीज ये बताइए आपको, आप अगर आते हैं तो फिर भेसो फीस लगाना कोई गुना है क्या? अगर वो आया कि जो है हमारा बच्चा उल्टी कर रहा है, ठीक है, और उसको देखा जैसे कि भाई बच्चा उल्टी कर रहा है, भेसो फीस लगा के पहले इसको दे, आपकी एडवाइस का ब्लड भी कैसे निकालेंगे यार? ये एडवाइस के लिए ब्लड नहीं चाहिए होता सर, इसके पहले आपके आपके पास इसका इलाज चल रहा था पहले से? इसका इलाज हमारे पास कब से चल रहा था? इधर तत्काल तो 6 महीने से नहीं चल रहा था, उसके पहले चला है प्रिस्क्रिप्शन आपके यहाँ ही उसका इलाज? ये भाई ये हमें नहीं पता, चूंकि 200 पेशेंट दिखाता है तो कब दिखाया नहीं दिखाया हमें नहीं पता, लेकिन तत्काल इधर वो प्रिस्क्रिप्शन कब का दिखा रहा है, इधर तो हमें नहीं याद है कि हमने देखा है। एक साल पहले का वैल्यू है? अपने यहाँ ही देखिए, पेशेंट कोई भी जो है ना इसे आपके यहाँ ही दिखाता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि आप ही के यहाँ दिखाता है पेशेंट ऐसा कुछ नहीं। कंपाउंडर का क्या नाम है? उस कंपाउंडर का नाम विशाल कुमार है। विजय काली मोमिन करे ले जी कखनी लगे दो 9:08 नौ नंबर लगे लिया और बाद 9:07 नौ पहुँचे लिए लोनू को लेकर आ गया था। कौन सी जान लगे नहीं लग गए? हाँ डॉक्टर नहीं था ना, पैसा तैसा सब जमा कर दिया था, बोला जमा किया था 500 रुपया 500 फीस जमा। हाँ फीस जमा चिट्ठा नहीं दिया है, बोलने तो अभी ना चिट्ठा दीजिए, बोला चिट्ठा हमने दाखिल नहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार है भाई, है मतलब सुबह ही हम चिट्ठा कटा 7 बजे गेलो छे, 7 बजे चिट्ठा कटा गेलो छे, 9 बजे 9 बजे बैठलो छे, कंपाउंडर सब बोली लो छे, डॉक्टर साहब कखनी भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित पुलिस जिप्सी ने महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस जिप्सी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करने लगा जिस पर आम लोगों के द्वारा हल्ला कर उसे रोका गया। वहीं उसके बाद ड्राइवर और पुलिस कर्मियों द्वारा महिला को जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल जाने के लिए कहा। इसके बाद ड्राइवर घायल महिला को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँच गया। इसी बीच महिला के परिजन पहुँचे
तब उन्होंने महिला को लेकर सदर अस्पताल ले गए जहां महिला का इलाज चल रहा है। घायल महिला हसनगंज मोहल्ले की रहने वाली और उसका नाम सीमा कुमारी है और वो कोर्ट में किसी काम को लेकर अपने दादाजी के साथ आई थी और सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दरमियान तेज रफ्तार पुलिस की जिप्सी के द्वारा उसके पैर पर चक्का चढ़ा दिया गया जिससे महिला का पैर टूट गया और इसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घायल महिला का कहना है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आम लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं घायल के पति दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मी ड्राइवर की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। ऐसे पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इलाज करवाइए पहले। जाइए जी, जाइए हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में इलाज करा दे। जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग कोर्ट के बाहर से निकल रहे थे। रोड के साइड में मेरे दादा दे, हम और चाची देखे, वही दादा का एक बैगे पुलिस गाड़ी आया, मेरा पैर पे चढ़ दिया और वो भी के हटाया नहीं, पहले गाड़ी से उतार के देखा चपाया है कि नहीं, तब उसके बाद हटाया गाड़ी। स्पीड में पूरा स्पीड में था, हॉर्न भी नहीं मारे थे। तो कहाँ लेके गया? भाग रहा था। हाँ, गाड़ी पूरा आगे बढ़ा दिया, सबको गरजने लगा, तब रोके गाड़ी और ले गया सीधा मयागंज। मयागंज में बोला नहीं, पहले सदर हॉस्पिटल ले गया। दर्द भी कर रहा है? पूरा दर्द है, मत पूछिए। क्या होना चाहिए? इतना तेज जो गाड़ी चला रहा था, सजा मिलना चाहिए। रोड पे इतना तेज पुलिस गाड़ी नहीं चलता है, दूसरे को तो फाइन करता है। इलोग को भी फाइन मिलना चाहिए। जब आम आदमी, आम पब्लिक जब फाइन देगा तो इलोग क्यों नहीं फाइन देंगे? ये सबको भी फाइन मिलना चाहिए, देना चाहिए। मेरा नाम सीमा कुमारी। मेरा कोर्ट आ रहे थे समानालय के पास, वहाँ पे आ रहे थे, पार हो रहा था, अचानक उधर से पुलिस का गाड़ी आया, मेरा पति ऊपर चढ़ा दिया। जब उसको रोकने बोला तो भाग रहा था, तो मीडिया वाला आके उसको रोके, फिर भी नहीं रुका, बाद में रुका। वो तेज चला रहा था क्या? गाड़ी तेज में था पूरा। कहाँ लेके चला गया पत्नी को? अभी पहले लेके गया मायागंज, वहाँ पे नहीं लिया, फिर लेके आया यहाँ प्राइवेट में। तो हम बोले कि वहाँ सदर लेके चलिए, तो नहीं माना। वो क्या चाहते हैं? ऐसा पुलिस वाले पर कार्रवाई होना चाहिए, तो पूरा होना चाहिए। ये सबका मन बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुलिस वाला सबका। जब देखा एक्सीडेंट हो गया था, उसको वहाँ पर रुकना था इलाज के लिए, वो भाग रहा था। क्या नाम है पत्नी का? सीमा कुमारी। आपका? दीपक कुमार। कहाँ घर हुआ? हसनगंज भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बांका के बौसी प्रखंड स्थित 4 दिवसीय राजकीय मंदार महोत्सव शुरू हो गया। मंदार महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार आपदा मंत्री शाहनवाज आलम एवं मंत्री जयंत राज ने किया। बांका सांसद गिरधारी यादव व जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। बांका DM अंशुल कुमार, SP डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक साल बौसी में मंदार महोत्सव की शुरुआत होती है। उद्घाटन के बाद मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा, मंदार का क्षेत्र काफी पुराना है, ये काफी ऐतिहासिक है। बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास में प्रयत्नशील है। बिहार सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी काम कर रही है। इस मौके पर बांका सांसद गिरधारी यादव, बेलहर विधायक मनोज यादव, धरैया विधायक भूदेव चौधरी, बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार एवं बांका SP डॉक्टर सत्यप्रकाश मौजूद रहे। लोग आए हैं, तमाम प्रदेश के लोग आए हैं, बगल के प्रदेश के लोग आए हैं, आप
सभी लोगों का मंदार महोत्सव में हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ इस मेले में खास करके जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, जो जो मजदूर हैं, उनके लिए भी कई सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उसका फायदा कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। एक तरफ मनोरंजन का भी कार्यक्रम है, एक तरफ जो हमारे दिनचर्या में रोज आने वाले चाहे हम सुलभ खेती कैसे कर सकते हैं और भी पेड़ पौधे बहुत तरीके की चीज है जिसका भी सीधा फायदा हम लोग को उठाया जा सकता है। छोटे छोटे बुनकर लोग हैं, भारत सरकार कहती है कि तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, जनता कहती है सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। भारत सरकार कहती है कि तुम प्राइवेट अस्पताल में जाओ, जनता कहती है कि सरकारी अस्पताल चाहिए। ये चित्र बदल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। राज्य सरकार इस कामों में मजबूती से अपना काम कर रही है। आज पीएमसीएच को देख लीजिए या मायागंज अस्पताल को देख लीजिए, दिन रात काम हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने लाया है, गरीब इस राज्य का पढ़ नहीं सकेगा, इस राज्य का क्या इस देश का नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी प्राइवेट स्कूलों में, आपके अप्रोच से गरीबों के अप्रोच से बाहर हो जाएगा। ये तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन धर्म का फीम जो खिलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उस पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। धर्म का फीम मत करिए, धर्म व्यक्तिगत चीज है, ये किसी का नाम एक चीज का नहीं। राम का नाम आज से नहीं है, राम का नाम तो हजारों साल से इस देश में चला रहा है, उसको बदल भी नहीं सकता। मरने के वक्त जब लोग मरता है, अंत में ही कहा जाता है कि राम नाम सत्य था, उसमें न कोई पार्टी थी, न कोई दल था, न कोई ये देश था। इस देश में हजारों साल से कोई पार्टी चली आ रही है, इसको एक दल और एक आरएसएस कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत था। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों को दूंगा। आप बता दीजिए 18 या 20 करोड़ नौकरियां होनी थी, 20 लाख नौकरी नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 10 लाख 7.5 लाख दे चुका है। शिक्षा संवाद कार्यक्रम भागलपुर के सरयू देवी मोहनलाल उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक और स्कूल के शिक्षक के द्वारा सीधा संवाद किया गया, जिसमें बच्चों के अभिभावक को यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो उसका निराकरण तुरंत स्कूल के शिक्षकों के द्वारा किया गया। मौके पर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, उप नगर आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी, स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता कुमारी के साथ स्कूल के कई शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। मौके पर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने कहा कि कार्यक्रम आज से शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें नगर के स्कूल के साथ साथ प्रखंड के स्कूलों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता कुमारी ने कहा कि बच्चों को सरकार के दिए जाने वाली योजना जैसे पोशाक राशि, साइकिल वितरण की राशि के साथ कई तरह की योजनाएं हैं। योजना की राशि अब बच्चे को सीधे खाते पर जाता है। जिस बच्चे को राशि नहीं मिल पाई उन बच्चों को इस महीने के लास्ट तक मिल जाएगा। हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ है और शिक्षा विभाग में जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं और राज्य की जो अन्य सारी योजनाएं हैं उनके लिए शिक्षा संवाद एक करना है, 1-1 घंटे का। ये प्रतिदिन 2 विद्यालय में हम लोग कर रहे हैं, जैसे नगर में कर रहे हैं और प्रखंडों में भी सब जगह BDOs को और जिला स्तरीय पदाधिकारी जो हैं वो सब लोग आज से गए हुए हैं। अगले 1 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, जो अभिभावकगण हैं बच्चों के, जो माता पिता हैं या अन्य लोग भी जो हैं वो आएँ और उनको इस चीज़ की जानकारी हो कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा विभाग द्वारा भी क्या क्या काम, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा अंतर्भूत जो संरचना है, चाहे क्लासरूम हुआ, शौचालय हुए, इस सब पे निर्माण हो रहा है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, शिक्षकों की, छात्रों छात्राओं की, सबकी जो उपस्थिति है उसको कैसे अनिवार्य कराया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर समय दें विद्यालयों में जिससे कुछ सीखें। अच्छा, आगे जो करियर अपॉर्चुनिटी है, भविष्य में क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, पॉलीटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, मेडिकल, जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें ऑलरेडी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। लोगों को पता नहीं कि उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे लिया जाए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात था, ये सरकार के द्वारा आयोजित था, बिहार राज्य सरकार के द्वारा, और ये इसमें कमिश्नर महोदय आए थे, नगर आयुक्त महोदय और हमारे ज़िले की कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता मैडम भी आई थी। और इसमें जो है मैं मुख्य उद्देश्य था इनका, सरकार का है कि जितने भी हमारी जनता है वो हर उस योजना के बारे में जाने
जिसके बारे में वो अनभिज्ञ है, नहीं जानती है, और सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी योजना है उसका लाभ वो लोग नहीं उठा पाते। चाहे हमारी छात्राएं हों या ये आम जनता हो, बहुत सारी योजनाएं हैं इनके लिए, चाहे वो पहली कक्षा से ले कर 12वीं तक की पढ़ाई की हो या उसके बाद के पढ़ाई की हो, या उसमें अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उधार लोन लेके पढ़ने वाली बात हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हर तरह की पढ़ाई के लिए सुविधा मिला हुआ है, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, या रोज़गार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, साइकिल, पोशाक, नैपकिन इत्यादि के लिए तो छात्रों को मिल ही रहा है पैसा, उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, किसी को अब हाथ में हम लोग पैसा नहीं देते हैं। सरकार का ही आदेश है कि सबके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है, जा रहा है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी आजकल जो छात्राएं हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी हैं, और आज के समय में लड़कियाँ जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक स्मार्ट होने की बातें हो चुकी हैं, और भी अभी बाकी है कुछ कुछ, कहीं कहीं थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा। छात्र भी, लड़के लड़कियां, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में लोगों के मन में ईवीएम मशीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। डीएम ने बताया कि ईवीएम मशीन में किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं किया जा सकता, और लोगों के मन की शंका भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से पूरे जिले में कुल 7 जागरूकता रथों को अधिकारियों के साथ रवाना किया गया है, जो प्रत्येक विधानसभा के हरेक मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोगों को ईवीएम संबंधित होने वाली परेशानियों और उनके मन में ईवीएम मशीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रथ को रवाना करने के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसडीएम धनंजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। ईवीएम जो मशीन होती है BUCU और VVPAT, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे इसका फंक्शन करता है, कैसे ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती है, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, इसी को लेकर के हर एक विधानसभा में एक एक गाड़ी हम लोग भेज रहे हैं, इसमें पदाधिकारी भी रहेंगे और विभिन्न बूथों पर जा करके उससे संबंधित उस बूथ के जो मतदाता हैं उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब देंगे। उसी को लेकर के ये आज पूरे जिले में 7 विधानसभा में गाड़ियां निकाली गई हैं, 2 कहलगांव अनुमंडल में, 2 नौगछिया अनुमंडल में और 3। बिहार सरकार के द्वारा सभी स्कूलों में शिक्षा संवाद का आयोजन आज से किया जा रहा है। इसको लेकर जिले के सभी स्कूलों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया। वहीं शहर के जिला स्कूल में भी शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों द्वारा जीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिक्षा संवाद के दौरान स्कूल के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के साथ संवाद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को बताया गया। इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं अन्य योजनाओं के बारे में भी अभिभावकों को बच्चों को जानकारी दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को आप ले लीजिए, जहां पर की लड़कियां जो है पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो है वो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, निशुल्क सारी व्यवस्था है। उनके बच्चे उच्च संस्थानों में बीटेक करने जाते हैं, IIM, IIT इस तरह के संस्थानों में पूरी फीस फ्री में जो है श्रम संसाधन विभाग देता है। वैसे श्रमिक अगर उनकी दुर्घटना हो जाती है, अगर किसी कारण से अपंगता हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो है उनको सहायता पहुंचाई जाती है। भागलपुर पुलिस की गिरफ्त से कई बार अपराधियों के भागने की खबर सामने आ चुकी है। भागलपुर जिले में भी कई बार कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। कई कैदी ऐसे भी हैं जो आज तक फरार हैं, इसके बावजूद भी पुलिस लापरवाही से बाज नहीं आ रही। ऐसी एक तस्वीर भागलपुर के सदर अस्पताल में देखने को मिली, जब उत्पाद विभाग के द्वारा अलग अलग मामलों में 2 लोगों को कुर्सेला के पास से पकड़कर मेडिकल जांच कराने के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल लाया गया था, और इस दौरान दोनों कैदियों को हथकड़ी लगाकर यूं ही छोड़ दिया गया और वो आराम से घूमते नजर आया। वहीं पुलिस वाले उनसे काफी दूर नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर कैदी भाग जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा।
मानंदी संस्थान की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर 500 कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही साथ बेगर इम्प्लॉयमेंट योजना संस्था द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत एक बहन का चयन किया गया। उनके घर का परीक्षण कर बहुत ही जल्द एक दुकान खुलवाया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार व बच्चों का भविष्य संवार सके। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।